हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज का जो गाइस हमारा लेक्चर है वो है क्लास टेंथ के लिए। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं साइंस क्लास टेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे 2020 से 2010-9-8 तक होने वाले हैं। तो गाइज आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गाइज हमारी जो बुक है आज की है रचना सागर, इसके आज हम क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE। तो गाइज आज इस बुक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस के लिए होने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा What happens when NaCl solution reacts with AgNO3 solution What happens when NaCl solution reacts with AgNO3 solution? Name the two types of reaction to which does it belong? तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि है गाइज हमारा, तो गाइज ये क्वेश्चन है हमारा CBSE 2019 साइंस का। गाइज हमारा ये क्वेश्चन है 2019 का, जो कि CBSE बोर्ड एग्जाम में आया था। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा CBSE 2019 का। तो गाइज क्वेश्चन कहता है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl सॉल्यूशन reacts with AgNO3 solution, name the two types of reaction to which does it belong? What happens when, क्या होता है कि जब हमारा NaCl solution react करता है AgNO3 solution से। तो guys question कहता है कि हमारा क्या होता है जब NaCl solution react करता है AgNO3 solution से। तो guys हमें इसकी reaction बतानी है, साथ में बताना है कि ये two types of reaction हमारा show करेगा, तो वे हमारी reaction कौन सी होने वाली है। तो गाइज हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन की और कौन सी ये रिएक्शन हमारी होने वाली है। तो गाइज सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो गाइज रिएक्शन हमारी बनने वाली है, सबसे पहले है गाइज हमारा NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं NaCl। तो गाइज ये रिएक्ट करता है हमारा AgNO3 से, क्या बनने वाला है वो हमें बताना है। तो गाइज सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं NaCl, विच इज सोडियम क्लोराइड। तो गाइज NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। गाइज AgNO3 होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। गाइज जब भी आप रिएक्शन लिखें, तो गाइज जब भी आप एग्जाम में कोई भी रिएक्शन लिखें, तो गाइज जो कंपाउंड होता है उसका नाम आप ज़रूर लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट सकते हैं अगर आप उस कंपाउंड का नाम उस कंपाउंड के नीचे रिएक्शन में नहीं लिखते, तो आपके मार्क्स कटना जायज़ है। तो गाइज जब भी आप कोई रिएक्शन लिखें, तो कंपाउंड जो भी है हमारा उसका नाम आप ज़रूर लिखें। तो गाइज NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, AgNO3 होता है गाइज हमारा सिल्वर नाइट्रेट। तो गाइज ये रिएक्ट करता है, तो गाइज यहाँ से हमारा निकलने वाला है सबसे पहले AgCl हमारा यहाँ से निकलने वाला है। तो गाइज ये बनने वाला है प्रोडक्ट में AgCl प्लस। तो गाइज सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा निकलने वाला है वो है NaNO3। तो गाइज सेकंड है हमारा NaNO3 गाइज ये और Na ये। तो गाइज NaNO3 जो कि हमारा प्रोडक्ट में निकलने वाला है, तो गाइज इनका भी हम नाम लिखने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा सिल्वर क्लोराइड। गाइज NaNO3 होता है हमारा सिल्वर, तो गाइज NaNO3 होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट जो कि हमारा प्रोडक्ट में निकल चुका है। तो गाइज सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बना AgCl,
विच इज सिल्वर क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज सोडियम नाइट्रेट। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है। तो गाइज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये हमारी कौन सी रिएक्शन है जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइज ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये हमारा पीपीटी है जो कि होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट गाइज हमारा होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि हमारा लास्ट में बच जाता है, लेफ्ट रेसिड्यू आप इसको कह सकते हैं। तो गाइज रेसिड्यू का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो लास्ट में बच जाता है जो कि हमारा इनसोल्यूबल होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो गाइज बात करें रिएक्शन की तो सबसे पहले गाइज ये हमारी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट गाइज ये हमारी रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गाइज हमारी कौन सी होती है? गाइज ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो गाइज अभी आपने देखा कि ये आपस में किस तरीके से एक्सचेंज होकर हमारा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। तो गाइज ये हमारी पहली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज बात करें सेकेंड रिएक्शन की तो गाइज आप यहाँ देखते होंगे कि जो हमारा AgCl है वो PPT की फॉर्म में हमारा बचा है। तो गाइज ये सेकेंड रिएक्शन हमारी बनने वाली है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो गाइज सेकेंड रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हमारा कोई भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बच जाता है तो वो रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन जाती है। तो गाइज एक बार और रिवाइज कीजिए, जब हमारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बच जाता है, कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच जाता है, तो वो रिएक्शन गाइज हमारी कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो गाइज पहला नंबर वन बात करें तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो गाइज सेकंड बात करें ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट CBSE 2019 का, आप इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स। तो गाइज इसमें हमें बताना है कि कौन सी हमारी रिएक्शन ये होने वाली है। तो गाइज पहली रिएक्शन हमें इन्होंने दी है AgNO3 प्लस। गाइज ये हमारा PPT की फॉर्म में है। तो गाइज ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही क्वेश्चन हमने किया था। तो गाइज लेकिन अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ये बताना है हमें, क्लासीफाई करना है कि ये हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन होने वाली है। तो गाइज हमें इसका बताना है कि ये कौन से टाइप्स की हमारी रिएक्शन होने वाली है। गाइज सेकंड है हमारा CaO प्लस H2O जो कि हमारा होने वाला है लिक्विड। तो गाइज CaO है हमारा सॉलिड। तो गाइज ये है हमारा क्विकलाइम CaO या कैल्शियम ऑक्साइड। गाइज इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का होल ट्वाइस जो कि है हमारा एक्वस फॉर्म में। तो गाइज हमें इसका टाइप्स बताना है कि कौन से टाइप्स की हमारी रिएक्शन बनने वाली है। गाइज थर्ड है हमारा टू के सी एल ओ थ्री एरो जो कि हमारा इसके ऊपर लगा है डेल्टा। डेल्टा मीन्स गाइज हीट होता है हमारा। तो गाइज प्रोडक्ट बनता है 2KCl प्लस 3O2। तो गाइज ये हमारा है गैसियस फॉर्म में, साथ में गाइज KCl है हमारा सॉलिड फॉर्म में, और जो गाइज 2KClO3 है वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो गाइज हमें इसकी रिएक्शन बतानी है कि ये रिएक्शन हमारी कौन कौन सी होने वाली हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया CBSE 2019। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है ऑल इंडिया CBSE 2019 का। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन होने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इन रिएक्शंस के टाइप्स का नाम बताना है। तो गाइज सबसे पहली रिएक्शन अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टडी की। तो गाइज ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको आप लिख सकते हैं PPT रिएक्शन। तो गाइज ये हमारी PPT रिएक्शन भी होने वाली है। तो गाइज ये रिएक्शन अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टडी की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या PPT रिएक्शन। तो गाइज बात करें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन गाइज जिसमें हमारे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं या आपस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं,
ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में, वो हमारी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में गाइज हमारा इसमें जो AgCl है वो PPT की फॉर्म में हमारा बनने वाला है, तो साथ में ये हमारी रिएक्शन PPT रिएक्शन भी कहलाती है। PPT रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस लेफ्ट हो जाता है या बच जाता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं PPT रिएक्शन। तो गाइज बात करें सेकेंड रिएक्शन की, तो गाइज ये होता है हमारा क्विकलाइम CaO, आप इसको लिख भी सकते हैं CaO, इसको कहते हैं गाइज हम क्विकलाइम। तो गाइज इसका दूसरा नाम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा होता है जब हम क्विकलाइम में पानी डालते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिलेक्ट लाइम। तो गाइज ये होता है हमारा सिलेक्ट लाइम। इस पर हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर, या कह सकते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम। तो गाइज क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर, या क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम, क्या होता है कि जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं। तो गाइज जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सिलेक्ट लाइम या CaOH का होल ट्वाइस, जिसका दूसरा नाम होता है गाइज हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइज ये हमारा दूसरा नाम होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं बूझा चूना। तो जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो हमारा सिलेक्ट लाइम बनता है, ये रिएक्शन हमारा जो एग्जांपल है। तो गाइज ये हमारी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन होने वाली है। गाइज बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो सिंगल बनता है, एक हमारा कंपाउंड बनता है, ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो गाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं उसके बाद हमारा एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। गाइज साथ में हमारी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होने वाली है क्योंकि हमारी इस रिएक्शन में हीट भी बाहर निकलती है। तो गाइज ये डेल्टा जो होता है डेल्टा ये हमारा साइन होता है हीट का, अब आप इसको भी काफ़ी पढ़ने वाले हैं तो जहाँ भी आपको डेल्टा दिखे वहाँ पे समझ जाओ कि ये रिएक्शन हमारी हीट की प्रेजेंस में होने वाली है। तो गाइज ये रिएक्शन हमारी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइज बात करें एक्सोथर्मिक की, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हमारी हीट बाहर निकलती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो गाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन साथ में हमारी एक्सोथर्मिक भी होने वाली है, तो गाइज आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें, तो गाइज ये हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होने वाली है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें से हमारी हीट रिलीज होती है, तो वर्ड याद रखना ऐसी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो गाइज ये हमारी कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी होने वाली है। तो गाइज हमारी सेकंड रिएक्शन का जो आंसर है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गाइज बात करें हम थर्ड रिएक्शन की, तो गाइज जब हमारे एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, तो गाइज ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर या ब्रेक होकर या टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे बनाता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज ये हमारी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा, तो गाइज बात करें डीकम्पोजिशन की, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एक सब्सटेंस
स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे बनाता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे बनाता है, या कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें, तो गाइस ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस हमारा स्प्लिट होकर, स्प्लिट मीन्स होता है गाइस टूटना, तो गाइस स्प्लिट मीन्स होता है हमारा टूटना, स्प्लिट टूटना। तो गाइस ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एक सब्सटेंस ब्रेक्स होकर या स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे बनाता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस यहाँ पे हमारा 2KClO3 सिंगल सब्सटेंस हीट की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई, स्प्लिट हुआ जो कि हमारे दो इसने कंपाउंड बनाए। तो गाइस ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है वो रिएक्शन हमारी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस हमारा स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो क्या करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट मीन्स होता है ब्रिक्स या टूटना, या कह सकते हैं कि एक कंपाउंड ब्रिक्स होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस ये हमारी रिएक्शन है हीट की प्रेजेंस में। तो गाइस साथ में ये हमारी होने वाली है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जो हमारी हीट की प्रेजेंस में होती है उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस ये हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो गाइस ये हमारे इसके टाइप्स होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो गाइस अगर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो हमारी होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस इसकी जो हमारी और टाइप्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए चले जाएंगे। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो गाइस अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि हमारा होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का। तो गाइस क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। तो गाइस क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। अभी हमने बताया कि क्विक लाइम में क्वेश्चन किस तरीके से हमारा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। गाइस वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन। तो गाइस हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की फटाफट। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन। तो गाइस इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था हमने उसमें ये वाली रिएक्शन अच्छे से की थी। तो गाइस हम इसको करने वाले हैं फटाफट। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। तो गाइस बात करते हैं क्विक लाइम की। तो गाइस क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड या CaO। तो गाइस इसका दूसरा नाम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो गाइस जब हम क्विक लाइम में वाटर डालते हैं, तो गाइस जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं, तो गाइस ये हमारा है लिक्विड और ये है हमारा सॉलिड। क्विक लाइम इज इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। तो क्या हमारा बनने वाला है? तो गाइज हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो गाइज हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ड लाइम, जिसका नाम होता है सिलेक्ड लाइम। तो गाइज नाम आप ज़रूर लिखें। तो गाइज क्या होता है कि जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो हमारा बनता है सिलेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम, तो गाइस इसका नाम होता है हमारा क्विक लाइम, इसको भी आप ज़रूर लिखें क्विक लाइम। तो ये तो आप जानते हैं विच इज़ वाटर H2O।
तो गाइज जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो हमारा बनता है सिलेक्ट लाइम। साथ में गाइज हमारे यहाँ से हीट भी निकलने वाली है, तो गाइज यहाँ से हमारी हीट भी निकलती है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो गाइज इसमें से हमारी हीट भी बाहर निकलती है क्योंकि ये हमारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हमारी होती है। तो गाइज इसमें से हमारी हीट निकलती है। तो गाइज इसमें से हमारा एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसमें से हमारी किस तरीके की साउंड निकलती है। तो गाइज इसमें से हमारी हिस की साउंड निकलती है। तो साउंड जो गाइज हमारी निकलती है, साउंड निकलती है वो हमारी हिस साउंड निकलती है इसमें से, जो कि हमारी बाहर निकलती है। तो गाइज इसमें से हमारे हिस की साउंड बाहर निकलती है और साथ में हमारे इसमें से हीट बाहर निकलती है। तो गाइज अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शन की। तो गाइज ये सबसे पहले हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइज सेकंड है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइज आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको नोट करें फटाफट। तो गाइज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज हमारा, लिस्ट द फंक्शंस, लिस्ट द फंक्शंस, लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म, लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द, बाय द, बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। तो गाइज टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, वो हमें बताना है। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है CBSE दिल्ली 2015 का, जो कि हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो गाइज बात करते हैं इसके आंसर की या इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज जो फंक्शन होते हैं हमारे टेस्टिस के, द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस आर। तो गाइज ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम केवल दो इसके फंक्शन करने वाले हैं। तो गाइज पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनाना, स्पर्म का जो प्रोडक्शन करता है वो हमारा टेस्टिस करता है। तो गाइज वो टेस्टिस का फंक्शन हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। गाइज सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ द, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। तो गाइज प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन टेस्टो, टेस्टोस्टेरोन। तो गाइज हमारे जो टेस्टिस हैं उसके मेनली हमने दो फंक्शन की बात की, सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो गाइज जो हमारा टेस्टिस होता है उसके हमारे मेन फंक्शन होते हैं। तो गाइज पहला होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, सेकंड होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना, ये हमारा फंक्शन होता है टेस्टिस का। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा CBSE दिल्ली 2015 में आया था। तो गाइज आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज हमारा, लिस्ट एनी 4। तो गाइज क्वेश्चन 4 है हमारा, लिस्ट, लिस्ट एनी 4, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज ये हमारा आया था CBSE 2011। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज बात करते हैं हम इसके आंसर की या इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज हमें इसमें 4 मोड्स बताने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो गाइज बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो गाइज द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन आर। तो गाइस पहला होता है हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो गाइस अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा गाइस हमारा होता है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस सेकंड है हमारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, इन प्लेनेरिया। तो गाइस सेकंड होता है हमारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। गाइस थर्ड मोड की बात करें हम फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, इन स्पायरोगायरा। तो गाइस पहला हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा, सेकंड वन रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, गाइस थर्ड वन है हमारा फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। तो गाइस हमारे तीन पॉइंट। गाइस बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, गाइस हमारा बडिंग इन हाइड्रा। तो गाइस फोर्थ पॉइंट है हमारा बडिंग इन हाइड्रा। तो गाइस हमें इसमें बता रहे थे चार मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो गाइस पहला है हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो गाइस अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर आता है हमारा बाइनरी फिजन। तो गाइस सेकंड है हमारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, विच इज़ द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, इसके अंदर हमारा होता है। गाइस बात करते हैं फोर्थ की, तो बडिंग इन हाइड्रा। तो गाइस हाइड्रा के अंदर होता है हमारा बडिंग, जो कि हमारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाला है। तो गाइस ये हमारे चार मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि गाइस हमारा CBSE 2011 में पूछा गया था। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो गाइस क्वेश्चन 6 है हमारा नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस। तो गाइस इसका आंसर है हमारा, गाइस बात करते हैं इसके आंसर की। तो गाइस ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और गाइस ये पूछा गया था हमारा CBSE 2010। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है CBSE 2010 का। तो गाइस क्वेश्चन है नेम द हार्मोन, हमें ऐसी हार्मोन का नाम बताना है जो कि सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस, जो कि ह्यूमन टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होता है। तो गाइस इस हार्मोन का नाम है हमारा टेस्टोस्टेरोन, विच सीक्रेटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है टेस्टोस्टेरोन, एक ऐसा हार्मोन है हमारा विच सीक्रेटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बात करते हैं गाइस हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DNA। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा राइट द फुल फॉर्म ऑफ DNA। साथ में गाइस क्वेश्चन पूछता है name the part of the cell where is it located। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमें बतानी है DNA की फुल फॉर्म, साथ में गाइस हमें बताना है कि नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इज इट लोकेटेड। तो ये हमारा सेल के अंदर कहाँ पे लोकेट होता है वो हमें बताना है। तो गाइस बात करते हैं इसके आंसर की। तो गाइस जो फुल फॉर्म होती है DNA की, फुल फॉर्म ऑफ DNA, तो गाइस ये होती है हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे DNA की फुल फॉर्म होती है। तो गाइस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? तो गाइस DNA की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी DNA की फुल फॉर्म होती है। तो गाइस ये हमारी DNA की फुल फॉर्म होती है। तो गाइस बात करते हैं लोकेट क्या करता है। तो गाइस सेकेंड है हमारा इट इज़ लोकेटेड इन द
इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑफ द सेल। तो गाइज ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में लोकेट करता है। तो गाइज जो हमारी सेल होती है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे ये लोकेट करता है। तो गाइज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। गाइज बात करें लोकेटेड की, तो गाइज ये हमारा लोकेट करता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो गाइज सेल के न्यूक्लियस में हमारा डीएनए लाई करता है। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6-7, आप इनको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो गाइज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, जो कि हमारा सीबीएसई दिल्ली 2017 का क्वेश्चन होने वाला है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिस्ट फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, हमें इसमें चार करेक्टरिस्टिक बताने हैं जो कि हमारी इमेज फॉर्म होती है बाय द प्लेन मिरर। तो गाइज प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारी इमेज फॉर्म होती है उसकी हमें चार करेक्टरिस्टिक बतानी है। तो गाइज बात करते हैं हम इसके आंसर की, इसके सॉल्यूशन की। द इमेजेस या द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा कि इमेज फॉर्म जो होती है हमारे प्लेन मिरर के द्वारा उसकी हम चार करेक्टरिस्टिक करने वाले हैं। तो गाइज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो गाइज बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो गाइज जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि हमारा पहला पॉइंट होने वाला है। तो गाइज बात करें सेकंड पॉइंट की, तो गाइज सेकंड पॉइंट है हमारा द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गाइज जो है हमारा सेकंड पॉइंट, तो गाइज ये हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जो इमेज की साइज बनती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है प्लेन मिरर की करैक्टरिस्टिक में। तो गाइज बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो गाइज बात करें थर्ड पॉइंट की, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो गाइज जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है लेटरली इन्वर्टेड, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है प्लेन मिरर के करैक्टरिस्टिक का। गाइज जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड विच इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो गाइज पहला पॉइंट कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। गाइज जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो कि गाइज हमारा थर्ड पॉइंट है। गाइज बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो गाइज फोर्थ पॉइंट है हमारा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो गाइज जो इमेज हमारे प्लेन मिरर के द्वारा बनती है वो बनती है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो गाइज जो हमारा मिरर होता है उसके पीछे बनती है, साथ में गाइज एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो गाइज कोई हमारा मिरर है उसके सामने हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो गाइज जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, या कह सकते हैं मिरर के पीछे बनती है, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी सामने रखी हुई है। तो गाइज ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये कहता है कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस,
तो गाइज जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी सेम डिस्टेंस पर बनती है, साथ में गाइज बिहाइंड द मिरर बनती है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो गाइज कोई भी वस्तु हमारे मिरर के सामने रखी हुई है तो गाइज जो हमारी इमेज बनती है वो हमारे मिरर के पीछे बनती है। तो गाइज फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो इमेज बनती है वो बनती है सेम डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर। तो गाइज मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पर बनती है, साथ में एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन जो वस्तु है हमारी वो सामने रखी होती है। जो प्लेन मिरर है हमारा वो इमेज बनाता है सेम डिस्टेंस पर बनाता है, लेकिन मिरर के पीछे बनाता है, लेकिन जो हमारी वस्तु है वो वस्तु हमारी सामने रखी हुई है। तो गाइज ये हमारा दिल्ली 2017 का क्वेश्चन था। तो गाइज आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। तो गाइज बात करते हैं इसके आंसर की या इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो मेनली चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। गाइज फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। बात करते हैं इसके आंसर की, तो द रेजिस्टेंस ऑफ आ कंडक्टर डिपेंड्स। तो गाइज पहला पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो गाइज जो रेजिस्टेंस है हमारा वो पहला पॉइंट जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इस पर डिपेंड हमारा करने वाला है। गाइज सेकंड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो गाइज हमारा एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर या कंडक्टर, ऑफ अ वायर और कंडक्टर। तो गाइज किसी वायर या कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। तो गाइज बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो गाइज ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो गाइज थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल हमारा किस तरीके का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। गाइज फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, तो गाइज फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो गाइज फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या वायर, इस पर डिपेंड करता है। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो गाइज ये क्वेश्चन है हमारा CBSE 2018 में गाइज पूछा गया था। तो गाइज ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो गाइज क्वेश्चन था हमारा लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो गाइज पहला फैक्टर हमारा लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जिस पर डिपेंड करता है। गाइज सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल, तो गाइज फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको नोट कीजिए,